ओके, आई टोल्ड यू अर्लियर कि आइसक्रीम की बहुत सारी फ्लेवर्स होते हैं। इसमें चॉकलेट होता है, पिस्टेशू होता है, ब्लूबेरी होता है, स्ट्रॉबेरी होता है, वनीला होता है, कुल्फा होता है। मैनी वैरायटी ऑफ आइसक्रीम, यू नो यू हैव ईटन इट अलॉट, एंड इट ऑल्सो कम्स इन डिफरेंट शेप। सो बिकॉज वी आर गोइंग टू ड्रॉ कोन, सो हमने कोन शेप चूज़ किया। मैंने आपको कोन शुरू में दिखाई भी कि उसकी किस तरह की लुक होती है। आप लोगों को तो बहुत पसंद होगी, तो आप लोगों को हर तरह की आइसक्रीम की आइडिया होगा। नाउ इट्स टाइम टू कलर द आइसक्रीम। आप लोगों ने क्या करना है, इट्स अप टू यू। आपकी आइसक्रीम है, आपको जो फ्लेवर पसंद है यू कैन डू इट ऑन द टॉप। आप लोग अपनी फेवरेट पोर्शन आप लोग आइसक्रीम का कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं इसको थ्री कलर्स में कर सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे अभी मैंने आपको टू कलर्स में आइसक्रीम दिखाई है, वी कैन डू इट अगेन। आप लोग थ्री कलर्स में कर लें, जस्ट लाइक मैं आप जैसे स्ट्रॉबेरी के लिए पिंक कलर यूज़ करूँगी और वनीला के लिए मैं येलो यूज़ करूँगी और थोड़ा सा मैं टॉप पे चॉकलेट पोर्शन शो करूँगी तो उसके लिए मैं डार्क ब्राउन यूज़ करूँगी। थ्री कलर्स एंड देन वी आर गोइंग टू डेकोरेट इट विथ लिटिल बिट ऑफ स्प्रिंकल्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द कलरिंग। पहले हम लोग यहाँ तक जो फर्स्ट सर्कल हमने ड्रॉ किया, यहाँ पे हम लोग लाइट पिंक कलर से कलरिंग स्टार्ट करेंगे। बट कीप इट माइंड, योर कलरिंग शुड बी डन इन वन डायरेक्शन। इसको हम लोग पिंक को वन डायरेक्शन में करेंगे, नीट एंड क्लीन। जितना नीट आपकी कलरिंग होगी उतनी अच्छी आपकी आइसक्रीम की लुक होगी। आपकी चॉइस है, आप जो जिस कलर का आप लोग कलरिंग करना चाहते हैं, जिस कलर की आप आइसक्रीम बनाना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। मैं आपको आपकी चॉइस पे छोड़ रही हूँ, बट कीप इट माइंड योर आइसक्रीम कोन शुड बी नीट एंड इट शुड लुक लाइक एन आइसक्रीम। And kindly complete the previous work too, because you have to submit your task in at school. So keep it mind, you have to complete all the work which you have done earlier and we have tallied it today. आप लोगों ने अपना previous काम भी complete करना है और अपना today work भी complete करना है। So you can see we have done the first base which is the pink color. अब इसके ऊपर हम top पर थोड़ी सी येलो स्कूप ऐड करेंगे। ये वनीला स्कूप हो गया हमारा, थोड़ा सा इस तरह शो करना है कि ये टू कलर्स में है। इन इवन यू कैन डू इट इन अ थ्री कलर। टॉप इज द चॉकलेट ब्राउन। हम लोगों ने इसको थोड़ा सा चॉकलेट की शेप भी देनी, कलर देना है। इफ यू वांट टू ऐड, ये थोड़ा सा मेल्ट बनाना है। ऐसे ही ऊपर से चॉकलेट थोड़ी मेल्ट हो के आई है, इसको थोड़ा सा हम शो करेंगे कि ये थोड़ी सी मेल्टेड है, चॉकलेट जो है थोड़ी सी मेल्टेड है। लाइक दिस, देखिए इसकी लुक कितनी प्यारी आ रही है। अगर आप चाहें तो येलो को भी सेम मेल्टेड थोड़ा सा कर दें, पर ये पिंक थोड़ा सा वो शो के आप थोड़ा सा रब करके इसको पिंक के ऊपर भी थोड़ा सा मर्ज कर सकते हैं। दिस ऐसे ये येलो भी स्प्रिंग में थोड़ा सा आ गया, देखिए आइसक्रीम है ना, गर्मियाँ हैं, आइसक्रीम मेल्ट भी होती है, तो आप चाहें तो इसको इस तरह की लुक दे सकते हैं। जैसे ये थोड़ी सी मिक्स हो गई है आइसक्रीम एक दूसरे के ऊपर आ गई है। सो चेरी कौन से कलर की मारी होगी, चेरी विल बी रेड इन कलर। आप लोगों ने चेरी को ब्राइट रेड कलर से टॉप चेरी को कलर करना है। देखिए हमारी आइसक्रीम कंप्लीट हो गई है। इफ़ यू वांट टू ऐड स्प्रिंकल्स, आप लोग स्प्रिंकल्स भी ऐड कर सकते हैं। आइसक्रीम है, आपकी चॉइस है इसको डेकोरेट किस तरह करना है। इफ़ यू वांट टू ऐड ग्रीन स्प्रिंकल्स, इफ़ यू वांट टू ऐड ब्लू स्प्रिंकल्स, योर चॉइस। ठीक है, लाइक दिस आप लोगों ने स्प्रिंकल्स कंप्लीट कर लेने हैं। द लास्ट वन विल बी द बेस ऑफ द आइसक्रीम। आप लोगों ने कोन को आप देखिए किस तरह, अगर आप जाएँ तो स्लोली एंड आप लोगों ने हर उसमें नीट एंड क्लीन कलर करना है। चेक में
या आप लोग वन डायरेक्शन में स्लो एंड नीट इस तरह कलर करेंगे ताकि आपकी कोन बहुत ही नीट लुक दे। और आप लास्ट में आप लोग दोबारा से अपनी वो लाइंस को डार्क कर सकते हैं। इवन यू वांट टू डू द लाइंस इन थिक फॉर्म, आप लोग अपनी लाइंस को थिक भी बना सकते हैं। इस तरह अपनी कोन को वन डायरेक्शन में कलर कर लें। बहुत ही नीट एंड क्लीन अपनी कलरिंग रखनी है, बिल्कुल भी अनटाइडी आपकी कलरिंग नहीं होनी चाहिए। सी लोगों ने ये कोन कंप्लीट कर ली। देखिए हमारे कलर बिल्कुल आउट ही हुए। आप लोग अगर दोबारा से अपनी कोन को डार्क करना चाहें डार्क ब्राउन, यू कैन यूज द डार्क ब्राउन टू, इससे भी डार्क आता है। ये आपकी बिस्किट की लुक और अच्छी आएगी। जितना अपना डार्क कलर करेंगे उतनी आपकी बिस्किट की लुक अच्छी आएगी, क्रस्ट की। ओके, if you want the last thing which we are going to do is making a base. Baseline is must because ice cream bhi aap log jo use karte kon, agar aap chahe to apni pink side ko bhi shading de sakte hain. You can take the dark pink, yahan se isko dark dark shade de sakte hain corner se. This, then yellow dark shade दे सकते हैं आप। This आप लोगों की चॉइस है, ये आपकी आइसक्रीम है। आप जितना अच्छा उसको क्रिएट करेंगे उसकी लुक उतनी अच्छी आएगी। एंड सो नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नाउ लास्ट थिंग वी आर गोइंग टू ड्रॉ द base line. If you want to draw just a straight line, it's okay. This is our base line and we have done our today's lecture, which was the ice cream cone. I'm sure you have learned a lot from today's class and you have to keep it in your mind that you have to complete the previous work which I have told it today. All the work which we have done in a previous class, you have to complete it and before get it into school. School जाने से पहले आपको अपना previous काम सारा complete होना चाहिए and neat and clean होना चाहिए. Okay? So this was all about today's class. I hope you all enjoyed a lot in today's lecture. और आप लोगों का आइसक्रीम बनाने में बहुत मज़ा आएगा। अगर आपने आइसक्रीम अच्छी बनाई then you can enjoy your ice cream today. Okay? Take care and Allah Hafiz.